साथियों डिबेट जारी, लगभग तीसरा सप्ताह होने जा रहा है शिवकुमार मिश्रा जी के द्वारा। कुछ हाइलाइट्स डिबेट की जो कि SCN न्यूज चैनल के सहयोग से ली गई है। सभी शामिल बड़े भाइयों का मैं गोरखपुर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार निदेशक संघ के तरफ से तहे दिल से बंदा अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अनुदेशक और बेरोजगारों का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष से विपक्ष से सभी पार्टी की नेताओं ने हम लोगों की सुध लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम फैली है कि अनुदेशकों का मुद्दा चाहे वो विपक्ष में समाजवादी पार्टी हो या चाहे सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारे लोग उन्होंने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इसी नाते हम आपसे जो है इस चैनल से जुड़ करके आपको धन्यवाद देना चाहता था। मैं अपनी बात देखा आपने किस तरीके से डिबेट लगातार जारी है और इस डिबेट का ही परिणाम ये है कि सरकार ने अनुदेशकों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जल्द अपनी घोषणा कर सकती है, कुछ बड़ा लखनऊ से खबर आ सकती है हम अनुदेशकों के लिए, जो कि हमारे भविष्य को सुरक्षित करने वाली न्यूज़ होगी। यहाँ पे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए कहें SCN न्यूज़ से। अब समाचार विस्तार। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में शिवकुमार मिश्रा जी जो कि संपादक हैं SCN न्यूज़ के, यानी कि स्पेशल कवरेज न्यूज़ के संपादक, और सुरेंद्र दुबे जी हमारे गुरु समान अभिभावक, और रुद्र प्रताप सिंह बड़े भाई के तौर पर ये तीनों त्रिमूर्ति अनुदेशकों के भविष्य को सुरक्षित करवाने के लिए लगातार आज तीन सप्ते से ज़्यादा होने जा रहे हैं, लगे हुए हैं। और शिवकुमार मिश्रा जी का कहना है कि हमने दिवाली तो अच्छी नहीं करवा पाई, लेकिन अनुदेशकों की होली ज़रूर अवश्य अच्छी करवा देंगे और हम तभी दम लेंगे, सांस लेंगे जब तक उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता। और मैं उनके लिए कोटि कोटि आप तीनों त्रिमूर्ति के लिए नमन करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। साथियों जो कार्य आपने अनुदेशकों की ज़िंदगी में एक लौ जलाने का किया है, मशाल जलाने का काम किया है, वो तो शायद आज अमिताभ अग्निहोत्री के अलावा और कोई नहीं कर पाता। मैं अमिताभ अग्निहोत्री आप सभी का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सर। आप जैसे महान लोगों की वजह से ही हमारा देश आगे बढ़ा है, हमारे युवा आगे बढ़े हैं, क्योंकि युवा आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और तभी हम विश्व गुरु बनकर दिखलाएंगे। साथियों मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरे अन्वेषक भाई बहनों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़िए जो कि हर शाम 8 से 9 कवरेज। और इस कवरेज का असर ये है, इस चैनल की डिबेट का असर ये है कि हमारी सरकार अब हमारी तरफ ध्यान देने लगी है, क्योंकि सरकार कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी दयालु हैं। भ्रामक न्यूज़ हम ना फैलाएं, ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। बहुत दयालु व्यक्तित्व के मालिक हैं और हमारे माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी भी बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, दयालु हैं, और हमारा अनुदेशक के जिला अध्यक्ष और पूरी टीम उनसे मिल चुकी है, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी रखी थी। माननीय सुरेश खन्ना जी ने हमारे योगी आदित्यनाथ जी से कहा था कि अनुदेशकों के लिए कुछ ना कुछ महाराज जी का ये ज्ञापन दिया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ अगले हफ्ते तक बड़ा समाचार, अगले हफ्ते का सोमवार के बाद बड़ा समाचार आपको मिल सकता है। साथियों ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि जो वादा किया था हमारी BJP सरकार ने, अब वो वादा शायद अब चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं और एक आस लगाए हुए, टकटकी लगाए हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के तरफ देख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर हमारी इस कष्ट को हरेंगे, सारे संकटों को दूर करेंगे
और महाराज बालाजी महाराज की यही अनुकंपा रही, तो हम सबका जरूर भविष्य सुरक्षित होगा। अमिताभ अग्निहोत्री इन्होंने सर ने हमारी इस मुद्दे को शिक्षा मित्रों के साथ उठाया था और कहा था कि इतना दयनीय अल्प मानदेय में काम करना असंभव है। ये बेचारे 100-100 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ाने के लिए, 7,000 में आज दाल रोटी तो अलग की बात है, नमक रोटी भी चलाना मुश्किल है। उन्होंने हमारे मुद्दे को उठाया था। मैं सादर आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी को भी बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि सर आप सभी भारतीयों के की खातिर ही, आपके मुद्दा उठाने की खातिर ही हम अन्वेषकों के भविष्य को सुरक्षित करने जा रही है सरकार। बस मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी अन्वेषकों से, साथ ही शिक्षा मित्रों से भी कि भाइयों प्लीज़ कुछ समय और धैर्य बना के रखें, कोई भी अपवाद ना फैलाएं, कोई भी भ्रामक खबर ना पोस्ट करें, ना डालें ना सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप एक आदर्श समाज के आदर्श व्यक्ति हैं, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप राष्ट्र निर्माता हैं, आप गरिमा को पहचानिए, अपनी वैल्यू को जानिए। आप अपशब्द बेफिजूल की अनपढ़ों की तरह जाहिलों की तरह बात नहीं कर सकते, हमें यही उम्मीद है। एक और खमा सवाल यहाँ पर आ रहा है, शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाना गलत नहीं है, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया साथियों। और प्रयागराज से प्रयागराजी समाचार है 14 नवंबर 2021 का, और संवाद न्यूज़ एजेंसी है प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने अपनी कोर्ट के एकल जज के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें शिक्षकों को ड्यूटी चुनाव के काम में लगाने को जायज़ ठहराया गया था। एकल जज के आदेश के खिलाफ 2 जजों की खंडपीठ ने विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी थी, कहा था कि एकल जज, और कहा था साथियों कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को लगाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कौसम्बी के आदेश को सही ठहराया है कि चुनाव में ड्यूटी इनकी लगाई जा सकती है, बीएलओ के रूप में और चुनाव ड्यूटी भी कराई जा सकती है। याचिका में याचिका ने कहा टीचरों का काम पढ़ाने का है, चुनाव ड्यूटी करने का नहीं। टीचरों के शिक्षक चरण कार्य के अलावा अन्य कार्य लेने पर छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती है, तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, ऐसा नहीं है, उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। साथियों ये ताज़ा खबर है। और एक और खबर लेंगे हम यहाँ पर, सरकार ने शुरू कर दिया है अपना अभियान समान कार्य समान वेतन का, और उसका एक उदाहरण है आउटसोर्स कर्मिकों को समान पद का मिलेगा समान वेतन। तो ये लखनऊ से अमर उजाला की न्यूज़ है, अमर उजाला के सौजन्य से। प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को समान पद का समान मानदेय दिया जाएगा। टेंडर में कंपनी बदलने पर पहले से कार्यरत कर्मियों को समायोजित भी करना होगा। ये आप देख रहे हो कि चुनावी इसमें सरगर्मी बढ़ती जा रही है और फैसला सरकार भी अपनी अपनी सुनाती जा रही है जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, स्पेशल कवरेज न्यूज़ से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वी से